हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लेसन 7 पी ब्लॉक से हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सामान्यतया लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें से एस ब्लॉक को हमने कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा और पी ब्लॉक को हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के सभी तत्व इसमें आते हैं। 13 और 14 दोनों वर्गों को हमने क्लास 11 में पढ़ा था। क्लास 12 में हम वर्ग 15, 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि पी ब्लॉक क्या है। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या है या पी ब्लॉक क्या है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे दिमाग में एक बात यह आनी चाहिए, वे सभी तत्व, जिनके बाह्यतम कोश में कोश के इलेक्ट्रॉन पी कक्षक या पी ऑर्बिटल में भरे जाते हों। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है। यदि किसी पी ब्लॉक के तत्व कोई है तो उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 तक, 1 2 3 4 5 6 तक वह उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।